लखनऊ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूपी में इस साल भी अब नहीं होगी कांवड़ यात्रा। योगी सरकार से बातचीत के बाद कांवड़ संघ ने लिया फैसला। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पुनर्विचार करने का दिया था मौका। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी मुकुल गोयल ने कांवड़ संघ से बात की, जिसके बाद कोविड 19 को देखते हुए कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया गया। इसी कड़ी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने शिव भक्तों से अपील की कि कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा न निकाले। आगे उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा, कांवड़ यात्रा करने वालों से निवेदन है कि अदालत के गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए आगामी 25 जुलाई से शुरू हो रहे सावन मास में शिवभक्त अपने क्षेत्र के आसपास स्थित शिवालय और घरों में पार्थिव शिवलिंग स्थापित करके जलाभिषेक करें। महंत ने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक संत है, इसलिए उनकी मंशा थी कि कांवड़ यात्रा की सनातन परंपरा खंडित न हो। गांव के जो शिवालय है वहाँ पे गंगा का जलाभिषेक करें, अथवा अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके माँ गंगा का जलाभिषेक करें, क्योंकि अगर हम आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। एक बार पुनः सभी शिव भक्तों से, कांवड़ यात्रियों से मेरा निवेदन है, अपील करता हूं कि आप लोग सरकार का जो आदेश है, सरकार का जो नियम है, जो कानून का पालन करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जारी कर दी थी, उनकी इच्छा थी कि कांवड़ यात्रा हो, लेकिन चूंकि तीसरी लहर सनिकट है और उसको देखते हुए आप लोग